नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। स्वागत है आपका हरियाणा फार्मिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुर्गे पोल्ट्री फार्म में मुर्गे का स्ट्रेस के बारे में कि मुर्गा कौन से मौसम में स्ट्रेस में ज़्यादा जाता है। अभी आपको पता है गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में दोस्तों ज़्यादातर जो मुर्गा है स्ट्रेस में आ जाता है और स्ट्रेस के कारण जो है वेट नहीं लेता, वो ग्रोथ नहीं हो पाती, जो हमें जो फार्मर को ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिल पाती। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मुर्गे की स्ट्रेस में क्यों जाता है और कौन सी दवाई इसको देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अभी स्ट्रेस की। तो जो ये मुर्गा है, आज गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में ज़्यादा गर्म होने हीट होने के कारण अपना जो मुर्गा है वो स्ट्रेस में चला जाता है और ये बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाता क्योंकि हीट ज़्यादा होती है। जो इनको मौसम ठंडा मौसम चाहिए वो मौसम नहीं मिल पाता, उसकी वजह से ये स्ट्रेस में चल जाते हैं और वज़न नहीं लेते। तो दोस्तों आज हम ये बताएंगे कि स्ट्रेस में कौन सी दवाई हम दे रहे हैं, हमें देनी चाहिए, और हम जो अभी दवाई दे रहे हैं वो किस काम की है और कौन सी दवाई है और वो स्ट्रेस के साथ साथ में और क्या क्या काम आएगी। तो दोस्तों हम दवाई जो देते हैं वो अभी आपको हम दिखाएंगे और फिर उसके बारे में थोड़ा आगे बताएंगे। चलिए अभी मैं थोड़ा सा दवाई दिखा देता हूँ आपको। आइए, ये दवाई है हमारी, ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी दवाई। अभी आपका इसका नाम दिखा देते हैं, ये जेड प्लस है दोस्तों, जेड प्लस स्ट्रॉन्ग, ये दवाई हम देते हैं। और इस दवाई को हम चलाते हैं, ये मानो कि आप, वैसे तो बहुत से लोग हैं जो 20 से 25 दिन बाद शुरू करते हैं, लेकिन हम जो करते हैं, हमारा अनुभव, हमारा खुद के पोल्ट्री फार्म का अनुभव बता देते हैं, हम 10 दिन बाद स्टार्ट कर देते हैं। इसका एक रीज़न है, 10 दिन बाद क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि मुर्गा अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो स्ट्रेस में ना जाए, स्ट्रेस में जाने से पहले ही हम ये दवाई दे देते हैं ताकि हमारा मुर्गा अच्छी ग्रोथ और अच्छा वेट ले, जिससे जो है प्रॉफिट हमारा बना रहे। तो थोड़ा सा मैं इस दवाई के बारे में आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये दवाई है, इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जेड प्लस स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या क्या होता है। आंवला होता है, स्तावरी होता है, ठीक है, और ये कैल्शियम होता है इसमें, और विटामिन सी होता है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें जो ये इन्होंने जो भी कंटेंट इसमें डाल रखे हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। और दोस्तों ये किस चीज़ में काम आती है वो भी बाकायदा लिखा हुआ है, ये स्ट्रेस में काम आती है और बॉडी ग्रोथ में भी काम आती है। तीसरा क्या है कि लीवर जो है वो बहुत बढ़िया रखता है, मेनली लीवर की ही काम आती है, लेकिन हम स्ट्रेस में भी इसको काम ले लेते हैं। बात रही है दोस्तों इसकी जो है यूज़ करने का तरीका और कितनी हमें देनी चाहिए, तो दोस्तों ये 20 लीटर की है, 20 लीटर की कैनी आती है, और ये जो है पर आप देख सकते हैं, वैसे तो ये गाँव को भी काऊ को दे सकते हैं, बफेलो को दे सकते हैं और गोट को भी दे सकते हैं, लेकिन हमें पोल्ट्री में यूज़ करना है तो 100 से 150 ml पर 1000 बर्ड पे देनी होती है। तो हम देते हैं 100 से 150 ml 1000 बर्ड पे दोस्तों। तो इससे क्या है कि हमारा, आप बर्ड भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ये देखिए कितना हेल्दी बर्ड है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए अभी हमारा जो मुर्गा है ये आज हमारा 22 दिन का हुआ है, और 22 दिन में आप देख सकते हैं कितना अच्छा बॉडी ग्रोथ है इनका और कितना अच्छा वेट ले रखा है। और हमारा जो है अभी का नहीं, ये मान लो हमारे पिछले 2-3 जो फ्लॉक थे, जो बैच थे, उन दोनों तीनों बैच में हमने ये यूज़ किया है और अच्छा रिजल्ट आया है दोस्तों। और हम आपको यही सजेशन करेंगे कि आपका कोई भी नज़दीकी डॉक्टर हो उससे आप एक बार सलाह लें और इस दवाई का उपयोग ज़रूर करें ताकि जो है आपका मुर्गा स्ट्रेस में हो वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाए और अच्छा बॉडी जो वेट है अच्छी ग्रोथ करे और आपको पोल्ट्री में घाटा ना हो, डबल प्रॉफिट हो। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी वीडियो में बने रहें और ऐसे ही हमें प्यार प्रेम देते रहें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।